हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सेंटर हाइक्स एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला बेनिफिशियरीज बाय 50%। तो क्या है, चलिए देखते हैं। इन द रन टू असेंबली पोल्स इन फाइव स्टेट्स लेटर दिस ईयर एंड लोकसभा इलेक्शन इन 2024, द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे इंक्रीज द कुकिंग गैस सब्सिडी फॉर पुअर हाउस होल्ड्स अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई बाय ₹100 पर 14.2 kg सिलेंडर टू ₹300। तो आप देखिए, पहले जो ₹100 मिलता था वो अब ₹300 इन्होंने सब्सिडी बढ़ा दिया है। द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी टू बेनिफिट 9.6 करोड़ हाउस होल्ड्स दैट आर करंटली कवर्ड अंडर द टारगेटेड सब्सिडी स्कीम। द डिसीजन विच वॉज अनाउंस्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आफ्टर वेंसडे मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट कम्स अराउंड अ मंथ आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्राइस कट ऑफ ₹200 पर सिलेंडर फॉर ऑल डोमेस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग पीएमयूवाई दैट इज आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज एंड एक्सपेंडेड द पीएमयूवाई कवरेज टू कवर अनदर 75 लाख पुअर हाउस होल्ड्स ओवर 3 ईयर्स। अब देखिए, पीएमयूवाई बेनिफिशियरी भी 5 लाख से ज्यादा पुअर हाउस होल्ड तक इन लोगों को छोड़ने का अगले 3 साल में टारगेट है। विथ वेंसडे डिसीजन अ 14.2 kg डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर इन दिल्ली विल इफेक्टिवली कॉस्ट ₹603 फॉर पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज व्हाइल फॉर अदर डोमेस्टिक कंज्यूमर इट विल कंटिन्यू टू बी प्राइज ₹903। अंडर द पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज पे द फुल प्राइस ऑफ फॉर द सिलेंडर एंड द सब्सिडी इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज ऑयल मार्केट कंपनीज ओएमसीज फॉर अप टू 12 रिफिल इन ए ईयर। मतलब आप देखिए, 12 बार आप सिलेंडर भरवा रहे हैं तो उसका सब्सिडी आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपके बैंक अकाउंट में देगी। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द गवर्नमेंट कंपनसेट द ओएमसीज फॉर द सब्सिडीज पे आउट अहेड ऑफ द असेंबली पोल्स। द कांग्रेस हैज प्रोमिस टू प्रोवाइड एल पी जी एट ₹500 पर सिलेंडर इन मध्य प्रदेश इफ वोटेड टू पावर। इफ द गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज ऑलरेडी कट इट्स द गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज ऑलरेडी कट द इफेक्टिव प्राइस टू ₹500 पर सिलेंडर फॉर पुअर हाउस होल्ड बाई प्रोवाइडिंग एडिशनल सब्सिडी सपोर्ट। बोथ दिस स्टेट्स अलॉन्ग विद छत्तीसगढ़ तेलंगाना मिजोरम एंड गोइंग टू पोल्स लेटर दिस ईयर द अपोजिशन पार्टीज हैज बीन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर हाई फ्यूल प्राइस पर्टिकुलरली दोज फॉर कुकिंग गैस। तो बस यहाँ पे आप देखिए, पॉलिटिक्स इधर उधर ब्लेम डाल रहे हैं, भैया आपने ज़्यादा कर दिया, हम ये रेट ले आएंगे, हम 500 का रेट ले आएंगे। तो और ये लोग, अभी इलेक्शन आ गया तो देखो रेट इन्होंने कम कर दिया, पहले क्यों नहीं कर रहे, मतलब यही चलते आ रहा है। एज द ऑफिशियल डेटा देर आर करंटली 9.6 करोड़ हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द पीएमयूवाई एंड द एवरेज एल पी जी रिटेल रेट अंडर द स्कीम वॉज 3.71 सिलेंडर फॉर 2022-23 इन टर्म्स ऑफ 14.2 kg सिलेंडर। एज्यूमिंग द बेनिफिशियरी बेस एंड द सिलेंडर रिफिल रेट रिमेन कॉन्स्टेंट द डिसीजन टू रेज कुकिंग गैस सब्सिडी कुड कॉस्ट द गवर्नमेंट अराउंड ₹3600 करोड़ ऑन द एनुअलाइज बेसिस। तो मतलब जो सब्सिडी हो रहा है वो 36,000 करोड़ रुपये एनुअल बेसिस पे गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। दिस ट्रांसलेट्स टू अराउंड 1,800 करोड़ फॉर द रिमेंडर ऑफ द करंट फिस्कल एंडिंग मार्च। तो जो अभी क्वार्टर बचा है उसके रिगार्डिंग, ये आप देखिए, अभी 2 क्वार्टर बचा है तो आपका ये उसका हाफ हो जाएगा, 1,800 करोड़ रुपीज आपके खर्च होंगे। इन द यूनियन बजट ऑफ 2023-24 द गवर्नमेंट प्रोविजन ₹7,680 करोड़ एज कुकिंग गैस सब्सिडी फॉर द फिस्कल एज्यूमिंग पर सिलेंडर सब्सिडी ऑफ ₹200। विथ वेंसडेज डिसीजन द फाइनल सब्सिडी बर्डन फॉर द फिस्कल इज लाइकली टू बी हायर देन द बजट एस्टिमेट। तो जो बजट में दिया गया है उससे ज़्यादा एस्टिमेट जो किया गया था उससे ज़्यादा खर्चा होगा। द पी एम यू आई विच वॉज लॉन्च इन 2016 वॉज सीन एज वन ऑफ द की वेलफेयर स्कीम डेट हेल्प भारतीय जनता पार्टी रिटर्न टू पावर एट द सेंटर 2019। तो ये एक मेन रोल था बीजेपी का वापस से पार्टी में, मतलब इलेक्शन में जीतने के लिए। द स्कीम हैज प्लेड अ की रोल इन टेकिंग एल पी जी कवरेज टू नियर
सेचुरेशन इन इंडिया, मतलब रफली बहुत हाई लेवल तक एलपीजी पेनिट्रेशन कर दिया इन्होंने। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमयूआई इज टू डिस्करेज पुअर हाउस होल्ड फ्रॉम यूजिंग कन्वेंशनल कुकिंग फॉइल फ्यूल लाइक फायरवुड विच आर कॉज ऑफ हाउस होल्ड पॉल्यूशन एंड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो इसका टारगेट आप देखिए दे दिया गया है कि आप जो लकड़ी जलाते हो, फायरवुड जलाते हो, आप वहाँ पे कोल यूज़ करते हो, तो वो मत करो, उससे पोल्यूशन भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो पीएमयूआई का मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही था। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ रिपोर्ट, एलपीजी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नियरली 50% ऑफ द हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज एंड अबाउट 90% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होता है, सबसे पहली बात सबका अपना अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट पैसा आए। आप लोग अगर कभी घर में इन्वॉल्व होते होंगे तो आपको आइडिया होगा, हम सिलेंडर लेते हैं तो उसका प्राइस जैसे हम लोग 1100 रुपया सिलेंडर हम लोग पे करते हैं, उसके बाद क्या होता है जो सब्सिडी होता है वो हमारे अकाउंट में खुद महीने महीने 2 महीने में 100 रुपया जो या जो भी सब्सिडी है वो आ जाता है। यहाँ पे लिखा है कि देखिए पहले 100 रुपया था, अब उसको बढ़ा के 300 रुपया कर दिया गया, तो 100 से 300 रुपीज़ सब्सिडी बढ़ा दी गई है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बता दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एलपीजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एलपीजी, ठीक है। ये रहा आपका एलपीजी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पीएमयूआई आपको मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट है, इसका आप देखिए 9.6 करोड़ लोगों तक पहुँच रहा है अभी। इसमें क्या ये करना चाह रहे हैं, 75 लाख पुअर हाउस होल्ड को और कवर करना चाह रहे हैं। डोमेस्टिक जो एलपीजी है आप उसका वेट देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपका मेन यही इसका मतलब अभी करना चाह रहे हैं ये लोग, 300 रुपये हर 14.2 kg सिलेंडर। तो ये डोमेस्टिक सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक सिलेंडर है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट देख लिया, ये प्राइस का मैं वॉल टू वॉल नहीं दे, अब ओएमसी, अब ये जो हम लोग को ट्रांसफ़र, हम तो पैसा दे देते हैं, ये जो ट्रांसफ़र कौन करता है ये हमको अब करते हैं ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती है और गवर्नमेंट फिर उन लोगों को पैसा देती है, ठीक है। ये कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है 500 रुपया कर देंगे, तो राजस्थान में ऑलरेडी इतना कर दिया गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इतना ध्यान नहीं देना। आप देखिए एक मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कुकिंग फ्यूल कन्वेंशन फायरवुड या कोल यूज़ होता है उसको यूज़ ना करें, उससे पोल्यूशन भी होता है और एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट भी होता है। तो एक ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया यहाँ पर। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, एक वेलफेयर स्कीम है आप समझ रहे हैं, और बस यहाँ पे हमारे लिए इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है इस आर्टिकल में। सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।